आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। सुखैती के नाम पर महिलाओं को रात में 12 बजे बुलाकर नशीला पदार्थ खिलाकर उनके साथ दुष्कर्म करने वाले सोखा श्याम बिहारी को कैंपियरगंज पुलिस ने किया गिरफ्तार। मामला कैंपियरगंज के ग्राम सरपतहा की एसपी नॉर्थ ने दी जानकारी। शासन के निर्देश पर मादक पदार्थों अवैध शराब एवं हुक्का बार पर रोक लगाने के लिए जनपद पुलिस द्वारा 24 अगस्त से 31 अगस्त तक चलाए जा रहे अभियान के तहत मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 26 अभियुक्तों के ऊपर की गई कार्रवाई। 9 अभियुक्तों की खोली गई हिस्ट्री सीट, 25 किलो 800 ग्राम गांजा, 160 लीटर अवैध कच्ची शराब किया बरामद। एसएसपी ने दी जानकारी। सितंबर को जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी की अध्यक्षता में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में विशेष लोक अदालत का किया जाएगा आयोजन। एनआई एक्ट के मामलों का किया जाएगा निस्तारण। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार द्वितीय ने दी जानकारी। जनपद में विभिन्न थानों में एक महिला समेत 9 अपराधियों की खोली गई हिस्ट्री सीट, जेल से छूटे अपराधियों पर पुलिस रख रही है नजर। एसएसपी ने दी जानकारी। अगस्त को हत्या की घटना कारित करने के उद्देश्य से अपहरण करने के आरोप में कैंट पुलिस ने न्यायालय से अभियुक्त को लिया रिमांड पर। घटना में प्रयुक्त एक अवैध पिस्तल, 2 जिंदा कारतूस व कार किया बरामद, भेजा जेल। यात्रियों की सुविधा के लिए पूर्वोत्तर रेलवे के द्वारा विभिन्न स्टेशनों पर ट्रेनों के रुकने के समय में की गई बढ़ोतरी, सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह ने दी जानकारी। महुई सुघरपुर वार्ड संख्या 65 के अंतर्गत आजाद चौक स्थित हनुमान मंदिर से पटेल चौक तक के सीसी रोड का महापौर ने किया लोकार्पण। महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, सड़क बन जाने से क्षेत्र की जनता होगी लाभान्वित। मौसम में परिवर्तन होने से जिला चिकित्सालय में बढ़ी मरीजों की संख्या। जिला चिकित्सालय के एमडी मेडिसिन डॉक्टर बी के सुमन ने कहा, अपनी सेहत का रखें ध्यान, बाहर के खाना खाने से करें परहेज, समस्या होने पर तुरंत नजदीकी सरकारी अस्पताल में करें संपर्क। गुरुवार को गणेश चतुर्थी के अवसर पर विभिन्न जगहों पर महानगर में लोगों ने स्थापित किया भगवान श्री गणेश की प्रतिमा। श्रद्धालु पहुंचकर कर रहे हैं दर्शन। 9 सितंबर को होगा विसर्जन। महर्षि कश्यप ऋषि के जन्मोत्सव के अवसर पर कसौधन सेवा समिति के द्वारा निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। महापौर सीताराम जायसवाल ने हरी झंडी दिखाकर शोभा यात्रा को किया रवाना। अगले 2 दिनों तक जनपद में होगी छिटपुट वर्षा। बाढ़ को देखते हुए बनाई गई है 80 बाढ़ चौकी। सभी चौकियां हैं अलर्ट पर। एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने दी जानकारी।